वाईफाई अड्डा में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई अड्डा में स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए चलते हैं आज के करंट अफेयर पर। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए SN राजेश्वरी, बी सौरभ कुमार, सी दीपक मित्तल, डी नीरज व्यास। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, SN राजेश्वरी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग देखते हैं। SN राजेश्वरी जी को AB गिरजा कुमार की जगह नियुक्त किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। OIC तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी होता है। स्थापना 12 सितंबर 1947, मुख्यालय तो नई दिल्ली में है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए पीयूष श्रीवास्तव, बी मार्कोस ट्रेजो, सी आदित्य कुमार, डी सुधा शर्मा। आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मार्कोस ट्रेजो। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लीजिए। तो NDB की बात आए तो NDB का जो फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। स्थापना 15 जुलाई 2014, मुख्यालय जो है संघई चीन में है। अध्यक्ष जो हैं KV कमत हैं, उपाध्यक्ष सर्विस JB हैं, संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत का GDP विकास दर कितना प्रतिशत तक घटाने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6%, बी 4%, सी 8%, डी 5%। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 5%। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यह कटौती विकास दर में COVID-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। यहाँ पर बात आया GDP, तो GDP के जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सफल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहाँ S&P आया तो इसका जो हिंदी होता है ग्लोबल रेटिंग होता है, इंग्लिश होता है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी के कर्नाटक मैंगो बोर्ड के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन ए मिंत्रा, बी Paytm, सी Flipkart, डी Amazon। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Flipkart। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखेंगे साथ में। इस साझेदारी के माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी। फेसबुक का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसका स्थापना सन 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 मई, बी 27 मई, सी 28 मई, डी 25 मई। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम लोग देखते हैं। 1953 में 19 मई को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और
न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बने थे और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा नेपाल ने की थी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने जुलाई 2021 में मंगल ग्रह पर किस नाम से अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सीजीएन 20, बी क्वाइझो 1A, सी तियानवेन 1, डी गैलेक्सी 11। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, तियानवेन 1 को लॉन्च किया है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लीजिए आप लोग। चीन की स्पेस एजेंसी ने जुलाई 2021 में अपना पहला तियानवेन 1 मंगल की सतह पर उतारने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राइट इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, बी सैमसंग, सी टाटा पावर, डी फेसबुक। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो रिलायंस के संस्थापक जो हैं धीरू भाई अम्बानी हैं, मुख्यालय मुंबई है और रिलायंस की जो स्थापना हुआ था 8 मई 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुजतबा हुसैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन ए में है गायक, बी लेखक, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए रिकवरी फंड के रूप में 750 मिलियन यूरो के प्रस्ताव को मंजूरी दिए हैं? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी यूरोपीय संघ, सी भारतीय संघ, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश की पहली आदिवासी महिला वाइस चांसलर झारखंड से कौन बनी है? ऑप्शन ए डॉक्टर स्नेहिल मुर्मू, बी डॉक्टर रानी क्रिकट्टा, सी डॉक्टर कामनी कुमार, डी सोना झरिया मिंज। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जाएगा डी इज द राइट आंसर, सोना झरिया मिंज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लीजिए आप लोग। प्रोफेसर सोना झरिया मिंज को सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। आंसर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन, कल के लिए जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था वो उसका आंसर आप लोग देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या था, हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस दवा के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर था वो था सी इज द राइट आंसर, मलेरिया। टुडेज क्वेश्चन फॉर यू, आज के लिए जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए, महिला स्वास्थ्य कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 25 मई, बी 28 मई, सी 29 मई, डी 26 मई। तो आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ में अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर लेंगे और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए माय यूट्यूब चैनल वाईफाई अड्डा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।